छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस के खिलाफ दिया गया धरना प्रदर्शन। नूशहर में एक बार में बीती माह पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में झगड़ों के पीड़ित द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद आरोपियों द्वारा ही पक्षित में आपको बताया चले कि जिसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया गया था, न्याय में ही इस मामले को लेकर अब पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पीड़ित ने न्याय न मिलने पर धरने को जारी रखने की बात कही है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि 7 अक्टूबर को नू में एक बाढ़ में ही कुछ लोगों ने ही पाइपलाइन अवैध कनेक्शन कर रहे थे, जिसके बाद ही कार्य करने को रोका गया। लाठी झंडे भी वहां पर चलते रहे। यह हमला कर पीड़ित को घायल कर दिया गया है। आपको बताया चले कि पीड़ित ने इस मामले को सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच कर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाते, लेकिन इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद भी 19 वर्षीय लड़के के खिलाफ पुलिस ने महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज किया था। अब पीड़ित पक्ष में लोगों की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद ही पक्ष में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ के मामले को झूठी बात कही है। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। मैं यहाँ नंगली गांव में इमामत करता हूँ और मेरा मकान यहाँ आमला बाग के पास में है, तो मैं वहाँ से नमाज पढ़ाने के लिए करीब 5:30 बजे निकला था। और मेरे मौसी का लड़का एक जुबैर वो आया हुआ था, तो उसने कहा कि यार तुम मुझे मामा के घर छोड़ दे, तो नमाज़ पढ़ाने के लिए चला जाना। तो मैं हम वहाँ से बस ऐसे ही निकल रहे थे, तो हमने देखा कि 10-12 लोग अंदर थे और 8-10 आदमी बाहर खड़े हुए थे। हम मैंने वहाँ एकदम घबरा कर बाइक रोकी, तो देखा कि वो उनके साथ में मारपीट कर रहे थे। फिर हमने उन्हें धक्का मुक्की से बाहर निकाला और उसके बाद में वो गेट बंद कर दिया हमने। उसके बाद में फिर हमने शोर मचाया, ऊपर चढ़ के भाई इन्हें हॉस्पिटल जाने दो और इसे इन्हें जान से इनकार हो गए थे। उसके बाद में फिर वो इधर उधर हो। आज ये लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं? इनकी मांग ये है कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने पैसे देकर पुलिस को पहले ही अपने उसमें कर रखा, अपने फेवर में। और जब हम वहाँ गए थे तो उन्होंने हम पर फैसले का दबाव बनाया था। और SI सोराब है जो उन्होंने मुलजिमों को, जब हम वहाँ से आ गए उसके बाद में ये कहा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए